इन प्रीवियस वीडियो ऑफ एनाबेले। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। एड और लॉरेन ने उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। अब देखो इससे आगे की घटना। लेकिन इसके बाद वो एनाबेले एड और लॉरेन के घर में ही इधर उधर घूमने लगी। एड और लॉरेन ने शुरुआत में इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन जब एक्टिविटीज ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसके बाद एड और लॉरेन ने एक चर्च फादर को बुलाया जिसका नाम फादर जेसन ब्रैडफोर्ड था। और जब एड और लॉरेन ने फादर को इस डॉल के बारे में बताया कि किस तरीके से इस डॉल ने उन दोनों को मारने की कोशिश की, I like your doll. तो ये सब सुनने के बाद फादर ने उनको कहा कि तुम्हें इस डॉल से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मामूली डॉल है और ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उसके बाद फादर ने एनाबेले डॉल को पकड़ा और वहां से चल दिए और वहां से वो सीधे चर्च की ओर जा रहे थे। जब फादर जा रहे थे कार से तो फादर को लगा कि वो अकेले ही उस कार में हैं। लेकिन फादर को कहां पता था कि उस कार में उनके साथ एनाबेले भी है। और कुछ घंटों बाद एड और लॉरेन को एक कॉल आता है और उनको बताया जाता है कि फादर का पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि उस एक्सीडेंट में फादर की जान तो बच गई, लेकिन एड और लॉरेन को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये जरूर उस एनाबेले डॉल का ही काम है। तो एड और लॉरेन उस डॉल को वापस अपने पास लाकर उस डॉल को एक एक्सोर्सिज्म के प्रोसेस के जरिए एक होली केस के अंदर रख देते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक दिन एड और लॉरेन के घर उनका एक रिलेटिव आता है तो एड और लॉरेन उस डॉल के बारे में अपने रिलेटिव को भी बताते हैं। लेकिन फादर की तरह एनाबेले का मजाक उनका रिलेटिव भी उड़ाता है ये कहकर कि ये मामूली खिलौना आखिर क्या कर सकता है। तो कुछ देर बाद उनका रिलेटिव एड और लॉरेन के घर से निकल पड़ता है और उसी के अगले दिन एड और लॉरेन को यह पता चलता है उनके रिलेटिव की बाइक एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। अब आप इसे केवल एक संयोग मानो या कुछ और, लेकिन एड और लॉरेन का मानना था कि ये एक्सीडेंट उस डॉल का ही कमाल था। लेकिन ये तो थी इस डॉल से जुड़ी घटनाएं जो कि पहले यानी पास्ट में हो चुकी हैं। लेकिन आज ये आने वाले डॉल कहाँ है और ये एक्चुअल में दिखती कैसी है? आपने तो इसे केवल मूवीज में देखा होगा। तो चलो मैं आज आपको एड और लॉरेन के ऑकर्ड म्यूजियम में ही ले चलता हूँ। तो ये है एड और लॉरेन का घर जहां वो पिछले 40 सालों से रहते आ रहे थे। हालांकि एड 23 अगस्त 2006 में गुजर गया था और उसकी वाइफ लॉरेन भी हाल ही में गुजरी 18 अप्रैल 2019 में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑकल म्यूजियम है जहां एनाबेले डॉल को एड और लॉरेन ने रखा था वो कहीं नहीं बल्कि उनके घर के अंदर ही था। और वहां सिर्फ एनाबेले ही नहीं, अगर आप ऑकल म्यूजियम में जाओगे तो आपको वो म्यूजियम पूरी तरीके से श्रापित चीजों से मिलकर भरा पड़ा मिलेगा जो कि एड और लॉरेन ने अपने पूरे पैरानॉर्मल करियर के दौरान कलेक्ट किया था ताकि इन श्रापित चीजों से किसी को कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो ये है वो एक्चुअल एनाबेले डॉल। दिखने में तो बहुत मासूम लग रही है लेकिन ब्रो ये डॉल सैकड़ों लोगों की जानें ले चुकी है। लॉरेन का मानना था कि ये एनाबेले डॉल उस पूरे ऑकल्ट म्यूजियम में सबसे श्रापित और डेंजरस चीज है। यहाँ तक कि लॉरेन उस डॉल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। I'm not gonna stare at it though.
So you can take the picture, but I'm not going to stare at it because that has done badly, bad harm on a lot of people. और जो भी उस ऑगन म्यूजियम में जाता है तो उसे परमिशन नहीं होती है कि वो वहाँ की किसी भी चीज को टच करे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद लॉरेन के मुंह से सुन लीजिए। Don't ever touch anything, and if you do, let me know. ये ऑगन म्यूजियम इतना श्रापित और खतरनाक है कि हर एक महीने में दो बार प्रीस्ट द्वारा इस पूरे म्यूजियम की हर एक वस्तु को ब्लेस्ट किया जाता है और खासकर एनाबेल डॉल को महीने में दो बार ब्लेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि एनाबेल डॉल कितनी पावरफुल है। एनाबेल डॉल की स्टोरी अब जाकर कंप्लीट हुई है, जो मैं पहली वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन कुछ भी हो, ये डॉल आज भी उतनी ही श्रापित, उतनी ही रहस्यमय, उतनी ही खतरनाक है कि जो भी इस डॉल के सामने खड़ा होता है एक ना एक बार उसकी रूह जरूर कांप जाती है। और यही वो एक्चुअल एनाबेल केस है जिसके बाहर से वार्निंग दी गई है, इसे खोलना मना है। पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।